आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकंड की, और सेकंड चैप्टर नंबर है और इसका नाम है मात्रक एवं मापन, अर्थात यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम विभिन्न मात्रकों की बात करेंगे और उन मात्रकों को किस प्रकार से मापा जा सकता है हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा आप ध्यान से, पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियाँ। क्या है? भौतिक राशियाँ, राशियाँ फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशि, सबसे पहले ये बात करें कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो वे राशि जिनको मापा या तोला जा सके, जिनको हम या तो माप सकें या फिर तोल सकें, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिएगा आप, वे राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चाल, बल, कार्य इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि हम द्रव्यमान को तो तोल सकते हैं, क्लियर, बाकी लंबाई को हम माप सकते हैं, चाल को हम माप सकते हैं, बल को हम माप सकते हैं, कार्य को हम माप सकते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? मापने और तोलने के अंतर्गत आएंगी। तो ध्यान से मेरी बात को दोबारा समझना, वे राशियाँ जिनको मापा व तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, चाल, बल, कार्य इत्यादि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। देखिएगा, सबसे पहला है मूल राशियाँ, या यूं कहूँ मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिएगा ध्यान से, मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो मूल राशि वे राशि होती हैं जिनको हम जिनको मापने के लिए अन्य किसी राशि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान मापने के लिए मान लीजिए इस ढक्कन का मुझे द्रव्यमान मापना है, तो इसको किसी भी तराजू पर रख के इसको तोल लूँगा मैं, तो इसका द्रव्यमान तोला जा सकता है। इसके द्रव्यमान को मापने के लिए मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई की आवश्यकता नहीं है। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है। इसी प्रकार अगर मुझे इसकी लंबाई मापनी हो तो मैं फीता लगाकर इसकी लंबाई या स्केल से इसकी लंबाई को माप सकता हूँ। लंबाई मापने के लिए मुझे इसको तोलना आवश्यक नहीं है। तो लंबाई भी एक मूल राशि है, द्रव्यमान भी एक मूल राशि है, ठीक इसी प्रकार समय भी अन्य किसी राशि पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए समय जो है वो भी एक मूल राशि है। तो देखिएगा, वे राशियाँ जिनको मापने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं होती हो मूल राशियाँ कहलाती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई और समय। अब देखिएगा नंबर दो, व्युत्पन्न राशियाँ। ये क्या होती हैं? डेरिवेटिव क्वांटिटीज। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वे राशियाँ जिनको व्युत्पन्न किया जा सकता है क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिएगा, और व्युत्पन्न किससे करेंगे? मूल राशियों से करेंगे, या यूं कहूँ मैं वे राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हों क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे वेग है, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। विस्थापन वास्तव में लंबाई के अंतर्गत ही आता है और समय समय के अंतर्गत आता है। तो इसका मतलब वेग जो है वो लंबाई और समय दोनों राशियों पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब व्युत्पन्न जो राशियां हैं वो एक से अधिक राशियों पर डिपेंड करती हैं या मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो देखिएगा, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर हों, या वे राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हों, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, जैसे वेग, बल, कार्य, शक्ति इत्यादि। क्लियर? मतलब वेग को भी हम मूल राशि से प्राप्त कर सकते हैं, बल को भी कर सकते हैं, कार्य को भी कर सकते हैं और शक्ति को भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। एग्जाम में ये इसकी डेफिनेशन अवश्य पूछी जाती है, आप इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लें एग्जाम के लिहाज से। अगला जो टॉपिक है वो है मात्रक। देखिएगा, मात्रक किस व्यक्ति द्वारा फिक्स किया गया है, मतलब मात्रक जो है जैसे किलोग्राम है, एक मीटर है, एक सेकंड है, ये सब किसी व्यक्ति द्वारा या साइंटिस्टों द्वारा निश्चित किया गया था।
ये सब मतलब विभिन्न देशों के साइंटिस्ट एक जगह इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर उन्होंने फिक्स किया था कि आज से इस बेलन का वजन हम द्रव्यमान हम 1 किलो मानेंगे, 1 किलोग्राम मानेंगे, या इसकी लंबाई हम 1 मीटर मानेंगे, और एक दिन रात में 24 घंटे मानेंगे। ये सब फिक्स किया गया था वहाँ पे, उसके आधार पर मात्रक तैयार होते हैं। तो देखिएगा, किसी भौतिक राशि के नियत तथा निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। नियत का मतलब क्या है कि जो 1 किलोग्राम का बाट यहाँ पर है वो पूरे संसार में हर जगह उसको 1 किलो ही माना गया है। तो किसी भौतिक राशि के नियत, नियत का मतलब ये हो गया कि दुनिया के प्रत्येक जगह पर उसकी वैल्यू फिक्स है। निश्चित, निश्चित का मतलब हो गया कि उसको फिक्स किया गया है कि इसको हम आज से 1 किलोग्राम माना जाएगा। तो किसी भौतिक राशि के नियत तथा निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे किलोग्राम है, मीटर है, जूल है, ये सब। किलोग्राम तो किसका मात्रक है बोलो? द्रव्यमान का। मीटर किसका है? लंबाई का। जूल किसका है? ऊर्जा या कार्य का। तो ये सब मात्रक हैं। तो किसी भौतिक राशि के नियत तथा निश्चित किए गए मान को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब बात आती है कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर होगा मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स। नाम से स्पष्ट हो रहा कि ऐसे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर डिपेंड नहीं करती हो, खुद खुद पे करते हो, वो मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे किलोग्राम, किलोग्राम अन्य किसी मात्रक पर डिपेंड नहीं करता। मीटर अन्य किसी मात्रक पर डिपेंड नहीं करता। सेकंड किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट्स कहलाएंगे। तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हों, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे किलोग्राम, मीटर, सेकेंड इत्यादि। ठीक इसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक क्या है? डेरिवेटिव यूनिट्स क्या है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हों या मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हों, क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। इनके अलावा और जो मात्रक बच रहे हैं, जूल है, वाट है, न्यूटन है, ये सब किस में आते हैं? व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। देखो आप, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर हों, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे जूल, न्यूटन, वाट इत्यादि, ये सब क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा भौतिक राशियां किसे कहती हैं, ये 2 प्रकार की होती है। फिर हमने पढ़ा मात्रा किसे कहते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कुछ हमने डेफिनेशन पढ़ी है, और ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद करना है। और अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मतलब कि इस पद्धति के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हम ये फिक्स करते हैं कि भाई एक इस किसी फिक्स सिस्टम में लंबाई का तो ये मात्रक माना जाएगा, द्रव्यमान का ये माना जाएगा, और समय का ये माना जाएगा। हम इसमें फिक्स करते हैं, जैसे मान लीजिए सीजीए सिस्टम है ना, सीजीए सिस्टम में फिक्स किया गया है। सी का मतलब तो होता है सेंटीमीटर, कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा। जी का मतलब होता है ग्राम, अर्थात द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा। और एस का मतलब होता है सेकेंड, इसका मतलब समय को सेकेंड में मापा जाएगा। इसी प्रकार एफपीएस पद्धति में फिक्स कर रखा है कि लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड होता है। और ठीक इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में भी यही फिक्स किया गया है कि लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड होता है। तो किसी मात्रक पद्धति में ये फिक्स किया जा सकता है कि उसमें कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो देखो आप, मात्रक पद्धति की डेफिनेशन क्या है? वे पद्धतियां जिनमें मूल व व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जा सकता, क्या कहलाती हैं? मात्रक पद्धतियां कहलाती हैं। जिनमें मूल मात्रक हमने पहले देखा था, व्युत्पन्न मात्रक हमने पहले देखा था, उन सबको मापा जा सकता है। ये ना समझे आप कि सीजीएस का मतलब सी जी रहसी है, इसका मतलब हम इसके अंतर्गत ऊर्जा के मात्रक की बात करेंगे, वो रहेगा अर्घ। इसके अंतर्गत ऊर्जा का मात्रक रहेगा जूल। तो इसमें सभी के, ये सीजीएस का आप मतलब आप ये ना समझें कि इसमें केवल सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड है, या यूं कह दूं केवल मूल मात्रक ही है। व्युत्पन्न मात्रक भी इसके अंतर्गत होते हैं। तो वे मात्रक जिनमें मूल व व्युत्पन्न राशियों का मापन किया जा सकता हो, मात्रक पद्धतियां कहलाती हैं। ये निम्न प्रकार की होती है। पहला सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, या फिर सीजीएस, या फिर मैट्रिक पद्धति। क्या
क्लियर। देखो आप इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड एस में मापते हैं, इसे फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। नाम क्या क्या है देखो, इसका तो एक तो CGS का नाम मीट्रिक पद्धति है और एक क्या है फ्रेंच पद्धति है। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं या कौन सी पद्धति को फ्रेंच पद्धति कहते हैं। तो मीट्रिक कह दो या फ्रेंच कह दो, इसका संबंध किससे होता है, CGS सिस्टम से होता है, CGS पद्धति से होता है। ऐसे अगले फुट, पाउंड और सेकंड, FPS या ब्रिटिश पद्धति। सीधी सी बात है, जो पाउंड का जो काम है कि द्रव्यमान का जो मात्रक पाउंड जो है वो वास्तव में किसका है, ये ब्रिटेन का दिया हुआ है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहा गया। तो नाम सिर्फ तीन ही है देखो, एक तो ब्रिटिश पद्धति है, ये तो किसका है FPS सिस्टम का है, क्योंकि इसमें पाउंड आ गया। आपने देखा होगा कि कॉमनली जो हम केक वगैरह लाते हैं उसका वजन पाउंड में बोलते हैं, एक पाउंड का है, एक दो पाउंड का केक है, ऐसे बोलते हैं। एक पाउंड में लगभग 600 के लगभग ग्राम वजन होता है, द्रव्यमान होता है। तो 600 ग्राम में एक पाउंड हो जाता है, और एक किलो में बोले तो फिर 1000 ग्राम चाहिए अपने, तो कम मैटर में ही अधिक क्वांटिटी आ रही है बोलने के हिसाब से। माल तो उतना ही आएगा बोलने के हिसाब, जैसे माल दो पाउंड का केक बनाया, बना वो 1200 ग्राम का ही, लेकिन बोले दो पाउंड का केक है, जबकि वैसे बोले तो एक किलो 200 ग्राम का है। तो अपनी बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताना ब्रिटेन वालों की खासियत रही है, इसलिए उन्होंने एक छोटा मात्रक बनाया पाउंड। क्लियर। ऐसे फुट बनाया लंबाई का, लंबाई फुट आप सब अच्छे से जानते हो, कोमली आज हमारी फुट में जो जमीन की माप जो होती है फुट में करते हैं, तो फुट भी किसका बनाया हुआ है, ब्रिटेन का बनाया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड भी उनका ही है। तो ये FPS जो सिस्टम है वो वास्तव में किसकी दी हुई पद्धति है, ब्रिटेन की दी हुई पद्धति है, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति नाम दिया गया। लेकिन जो बच गया जो नाम मीट्रिक पद्धति और फ्रेंच पद्धति, ये किससे संबंध है इनका, CGS सिस्टम से। तो अब कोई पूछे कि ब्रिटिश पद्धति कौन सिस्टम का नाम है, आप कहोगे FPS सिस्टम का नाम है। पूछे कि मीट्रिक पद्धति या फ्रेंच पद्धति किसका नाम है, आप कहोगे CGS सिस्टम का नाम। तब चलो इसमें बात करता हूँ मैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। अगला टॉपिक है और वो है मीटर किलोग्राम सेकंड MKS पद्धति। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इसी पद्धति का किया जाता है। मीटर लंबाई को मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो ये बात यहाँ लिख दी, इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं, इसलिए इस पद्धति को MKS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम की। SI सिस्टम की बात करें, देखिएगा जैसे शुरुआत में तो मीटर किलोग्राम सेकंड से काम चल गया था और MKS सिस्टम बन गया था, लेकिन जो जो बाद में और आविष्कार हुए और चीज़ों को खोजा गया, तब पता पड़ा कि कुछ ऐसी भौतिक राशियां और निकल के सामने आई, जैसे ताप। ताप का क्या होता है, केल्विन के। केल्विन भी किसी अन्य चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना, तो ये भी वास्तव में केल्विन भी एक मूल मात्रक ही है, ताप भी एक मूल भौतिक राशि है ना। इसलिए फिर जैसे बाद में और मापा गया तो विद्युत धारा आई, विद्युत धारा भी अन्य किसी पे डिपेंड नहीं करती थी। ऐसे पदार्थ की मात्रा का मोल आया, ये भी अन्य किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता था। इसलिए जब ये जब बातें और खोजी गई तो फिर ऐसा महसूस किया गया कि जो MKS सिस्टम था ऊपर वाला वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए MKS का विस्तृत रूप तैयार किया गया और उस विस्तृत रूप को कह दिया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति SI सिस्टम। SI सिस्टम की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखिएगा यह पद्धति MKS पद्धति का विस्तृत रूप है, अर्थात उसी का फैला हुआ रूप है। इस पद्धति में भौतिक राशियों को 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रकों में बांटा गया है। तो 7 मूल मात्रक तो ये हैं, 2 पूरक मात्रक अगले पेज पे हैं। तो 7 मूल मात्रक देखिएगा, ये जो टेबल आपके सामने फिलहाल बनी हुई है, इस टेबल में से एक सवाल कम से कम एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिएगा भौतिक राशि, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का चिन्ह क्या है, केजी। ऐसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, और मीटर का क्या है, स्मॉल एम। समय, समय का क्या है, सेकंड, सेकंड का क्या है, एस।
ताप का क्या होता है? केल्विन। केल्विन किसे लिखते हैं? के से। विद्युत धारा का एम्पियर का ए से। ज्योति तीव्रता का कैंडेले का सी डी से। और पदार्थ की मात्रा का मोल को एम ओ एल से लिखते हैं। ये ध्यान रहे कि आप यही सिंबल काम में लें आगे चल के। कुछ जगह एम्पियर को ए एम पी लिख देते हैं, जो गलत है, केवल ए ही आता है। समझ में आ गई होगी बात। कुछ जगह समय का एस ई सी लिख देते हैं सेकंड, वो भी गलत है, ओनली एस ही आता है। ऐसा ही सिस्टम में ये ही चिन्ह काम में लिए गए हैं और आपको भी ये ही चिन्ह काम में लेने हैं। तो ये जो टेबल है, ये ऐसे सवाल आएगा कि ऐसा ही सिस्टम में विद्युत धारा का मात्रक क्या है और उसका प्रतीक क्या है। आपको उत्तर देना है कि ऐसा ही सिस्टम में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसे कैपिटल ए से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार पूछेगा कि ऐसा ही सिस्टम में पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है और उसका सिंबल क्या है। आप कहोगे पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल और इसको एम ओ एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हमने 7 मूल मात्रकों की बात तो कर ली थी, अब 2 पूरक मात्रक और बच रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। अब ऐसे बात करें, हम 2 पूरक मात्रकों कर रहा था, तो पूरक राशियां क्या क्या, देखो पहली है समतलीय कोण। समतलीय कोण से मतलब, समतलीय कोण को आप अच्छे से जानते हो, जैसे आपने छोटी क्लासेज में ये जो एंगल पढ़े हैं ना, थीटा एंगल, ये सब क्या है? समतलीय कोण है, मतलब किसी समतल पर बने हुए कोण है। तो समतलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन, जिसका सिंबल क्या है? RAD, ठीक है ना। मतलब कि वैसे तो डिग्री कहते हैं ना, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, लेकिन जब किसी सूत्र में इसकी वैल्यू रखनी हो तो पहले उसको रेडियन में बदलना आवश्यक होता है, समझ गए। तो समतलीय कोण का मात्रक पूछे तो आप डिग्री नहीं लिखना है, क्या लिखोगे? रेडियन, RAD। ऐसे घन कोण, घन कोण के बारे में आपको हायर क्लासेज में पता लगेगा, फिलहाल आप इसको इतना ही समझें कि घन कोण जो है, वो घन कोण आपका रहेगा, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। घन कोण क्या होता है? स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है और इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 बातें आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से याद करनी है कि समतलीय कोण का मात्रक क्या है? रेडियन है। और घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। अगर आपको यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।